सुपर इन्वेस्टर चैनल का एक फेवरेट स्टॉक जो कि बार बार इसके बारे में मैंने कवर किया है। यही शेयर मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर में जब इसका रेट चल रहा था 60 रुपीज़, उसके बाद में बताया जब था 80 रुपीज़, उसके बाद में बताया जब था जब 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 170, 180 में बताया था। यही शेयर आज अपना 52 वीक हाई को टच किया 221, 6 मंथ्स में ट्रिपल हो गया है फ्रेंड, शेयर ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुका है ये शेयर जस्ट इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स ये ऐसे शेयर आपने लेना चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मैंने बार बार कहा है कि क्वार्टर का रिजल्ट ट्रैक करते रहना चाहिए। तो इसका सितंबर क्वार्टर भी अच्छा था, दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा आया, उसके कारण शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब देखते हैं कि इसका क्वार्टर कैसा आता है मार्च का, उसके ऊपर उसका अगला मूवमेंट रहेगा। पर अभी बहुत तेज़ी बनी हुई है और लोग काफ़ी बुलिश है इस कंपनी के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने ये शेयर लिया होगा मेरे रिकमेंडेशन पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं शेयर का नाम बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स ये कंपनी का आज का क्लोजिंग था 217 एंड 52 वीक हाई था 221, मतलब अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। अब आप बोलेंगे इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आपको बाय करना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। और Q4 का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो यही शेयर आपको 300 से 350 के लेवल पे दिखा सकता है आने वाले 3 to 4 मंथ्स में। कंपनी का नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, जी हाँ आपको याद होगा यह शेयर मैंने बार बार कवर किया है इस चैनल से, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, जब इसका रेट था 60, 70, 80 रुपीज़, जब से बता रहा हूँ अभी ट्रिपल हो चुका है जो 6 मंथ्स में इसका रेट। फ्रेंड्स ये कंपनी रेड टेप, बॉन्ड स्ट्रीट, मोड ऐसे शूज़ के ब्रांड आप जानते होंगे इंडिया के अलावा, इनका यूरोप और अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है। इसका पी है 29 का, EPS है 7.50 का, डेट टिकट रेशियो है 0.17, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रोमोटर्स के पास स्ट्रॉन्ग 68% है, प्रोमोटर ने लगातार अपना प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 2-3 क्वार्टर से बढ़ाया है। FII का होल्डिंग है 2.80 और DII का होल्डिंग है 0.04। इसका क्वार्टर रिजल्ट देख लेते पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 15 करोड़, सितंबर 2021 में इसका प्रॉफिट था 27 करोड़ एंड दिसंबर 21 में इसका प्रॉफिट था 43 करोड़। तो आप देख सकते हैं जिसलिए इतनी ज़बरदस्त तेज़ी अभी भी तेज़ी में है, मतलब लोगों को अभी भी उम्मीद है क्वार्टर फोर रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा पर फ्रैंकली, क्वार्टर फोर का इसका जब डेट आएगा रिजल्ट का तो ये शेयर और भागेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जनरली लोगों को उम्मीद होती है कि शेयर का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जो शेयर इतना ज़्यादा भाग चुका है 6 महीने में तो लोगों को उम्मीद होती है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो और भागेगा। क्वार्टर फोर का रिजल्ट का डेट इसका जब डिक्लेयर होगा मैं आपको बताऊँगा, पर जब भी डिक्लेयर होगा उसके 1-2 दिन पहले तक बहुत तेज़ी रहेगी इसमें। जो लोग लॉन्ग पिछले बार बाय कर चुके हैं मैं उनको सलाह दूंगा उसके पहले थोड़े बहुत शेयर बेच देना आप लोग, क्योंकि अगर रिजल्ट ख़राब आया तो शेयर में करेक्शन आएगा। बट अब दिक्कत डिपेंड करता है कि ख़राब आता है, एवरेज आता है कि अच्छा आता है। मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ख़राब आएगा कि अच्छा आएगा, मैं सिर्फ सेफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने से काफ़ी लोगों ने इसको 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के 120 के लेवल के से लिया हुआ है मिर्ज़ा इंटरनेशनल को, और अभी ये ट्रिपल हो चुका है। तो मेरा ऐसा कहना रहता है कभी भी कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने के 1-2 दिन पहले भेज देना, रिजल्ट अच्छा है तो फिर से बाय कर लेना, बट आप सेफ रहेंगे ऐसा मुझे कहना है। बट अगर अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, एक आध क्वार्टर से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये भी बात को कहना चाहूँगा, अगर लॉन्ग टर्म का आपका होगा, आपका कम रेट में लिया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और ऐसा लगता तो नहीं कि रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा इसका। बट एक ओवरऑल देखा जाए तो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टू फॉर लॉन्ग टर्म, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू अपने शोरूम्स खोल रहे हैं, सब जगह पर ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, इनका एक्सपोर्ट का मार्केट बढ़ रहा है, और ये बाकी USA के बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए भी अपना जॉब वर्क बना के उनके ब्रांड में बना के देती है शूज़, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। शूज़ और चप्पल कभी आउट ऑफ मार्केट होने वाले नहीं है, इसीलिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और जिन्होंने होल्ड अभी बाय नहीं किया है तो थोड़ा गिरावट के लिए रुकी है, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो इसको बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 1 or 2 years के लिए, जिसमें आपको ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ब्रांडेड चीज़ों के जो शेयर्स होते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं, पर ये शेयर 60 रुपीज़ से वो 220 तक चला गया जस्ट लास्ट 6 मंथ्स में, तो आगे भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं के बाद ये भागेगा, तो आप ज़रूर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। एंड जो लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर्स आप एवरेजिंग करके बाय कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। और इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है सुपर इन्वेस्टर चैनल का। थैंक यू फ्रेंड्स।